जिन कुशल कारीगर महामणि ने योग्य हार साथे जोड़ता तेनी प्रभा में विशेष वृद्धि थाय एम उपमा अलंकार थी त्या कथा मूल दिगंबर शास्त्र छे मोटू उत्तर पुराण एम पण आवी रीते आ बधु उपमा आपीने लखेलू छे घणी बधी उपमा आपी एम ब्रह्मचार्य तो अमुक ज लीधी एटले जेम कोई कुशल कारीगर होय ए महामणि कीमती होय एने हार साथे जोड़ता तेनी प्रभा हार में विशेष वृद्धि पामे हार होय पण एमो मणि जोड़े तो एनी प्रभा वधे के कोई कुशल कवि होय ए काव्य में अनुपम मनोहर अर्थ ने जोड़ता तेनो सुंदर भाव प्रकट था सुंदर भाव काव्य में एक तो कविता सुंदर होय गेय में गावा में अने एमो अनु भाव मनोहर होय तो एनी एनी शोभा वधी जाय छे अथवा आ दृष्टांत आपीने अथवा संत पुरुषो पोतानी बुद्धि ने प्रेम पूर्वक धर्म ना स्वरूप में जोड़े संत पुरुषो होय एमने साचो धर्म मळ्यो होय अने साची अंतरनी भावना सहित एटले भक्ति सहित पोताना आत्मा ने धर्म ना स्वरूप में जोड़े तेमज श्री राम ना योग थी लक्ष्मी समान सीताजी पण आज शोभा पामवा लाग्या तेम सीताजी ने आजे पोताना पति श्री राम के जेना सिवाय तेने मन बधुज जड़ जेवुं हतुं कोईना प्रति किंचित भाव नहीं तेवी सीताजी ने आजे राम नी साथे एवी रीते शोभा पामवा लाग्या ते जोईने विभीषण सुग्रीव हनुमान आदि सर्व अति आनंद पाम्या जे महामणिहार विषे यो जाता योग्य प्रभा प्रगटे जे महामणि हार विषे यो जाता योग्य प्रभा प्रगटे के कुशल कवि वाणी साथे अनुपम अर्थ सुयोग घटे के कुशल कवि वाणी साथे अनुपम अर्थ सुयोग घटे अथवा संत मति निज योजे धर्म स्वरूपे प्रेम धरी अथवा कोई संत पुरुषो पोतानी मति एटले बुद्धि ने धर्मना स्वरूप में भक्ति सहित जोड़े तो एनी शोभा केटली वधे एक तो संत होय अने भगवान ना स्वरूप में तन्मय होय तो एनु संतपणु दीपी उठे छे अथवा संत मति निज योजे धर्म स्वरूपे प्रेम धरी तेमज शोभे राम योग थी श्री सम सीता मोद भरी तेमज शोभे राम योग थी तेमाजे राम नो योग थता श्री सम श्री एटले लक्ष्मी समान श्री एटले लक्ष्मी समान सीताजी आजे शोभी रहा छे मोद भरी आनंद साथे तेमज शोभे राम योग थी श्री सम सीता मोद भरी ज्यां सुधी श्री राम ना दर्शन थया नहीं त्यां सुधी जानकी अर्थात जनक राजानी पुत्री सीताना हृदयमा प्राण प्रिय पति विरहनी झूरणा हती सती छे सती ने एक ज पति होय ए सिवाय नु मन क्यांय नहोतुं का सम्यक दृष्टि एटले आराधना करती ते वैराग भावे पण आजे पोताना पति नो जोग थयो एटले के पुण्यना उदय थी जेम सीताना हृदयमां प्राण प्रिय पति विरहनी झूरणा हती तेवी ज रीते श्री राम पण तेने बधुं सुख होवा छतां सीता दूर थवाथी तेना विरहनी श्री रामना हृदयमां पण शोकाकुल स्थिति हती सीता ते दूर जवाथी रामना हृदयमां दुख हतुं कि आ घणुं अघटित थयुं अने पाछो लई गयो छे जे आशयथी एटले पछी ए भयंकर थतुं એટલે રામના હૃદયમાં દુઃખ હતું ને સીતાના મનમાં પણ દુઃખ હતું પ્રાણ પ્રિય પતિ વિરહે ઝૂરણા હતી અતિ જાનકી ઉરે રામ હૃદય શોકાકુલ રહેતું પુણ્યોદય સુખ કરી દૂરે પ્રાણ પ્રિય પતિ વિરહે જાનકી એવી સીતાના હૃદયમાં